इस साल हमारा देश भारत G20 होस्ट कर रहा है। दिल्ली में चल रहे G20 इंटरनेशनल समिट के अवसर पर देश विदेश से ग्लोबल पॉलिटिकल लीडर्स इसमें हिस्सा लेने आए हुए हैं, जिनमें से दो बड़े नाम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैं। किसी भी देश के लीडर्स जैसे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हमेशा अपने कॉन्वॉय के साथ ही दूसरे देशों के दौरे पर निकलते हैं, जिसमें मुख्यतः उनके स्पेशल आर्मर्ड प्रोटेक्टेड कार्स शामिल रहते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं। इसके अलावा हर पॉलिटिकल लीडर अपने साथ कुछ डेलीगेट्स लेकर चलता है, जिसके सारे इंतजाम की जिम्मेदारी उस देश की होती है जिसे विजिट करने वो लीडर आया हुआ हो। उसी सिलसिले में G20 के मौके पर इंडियन गवर्नमेंट ने 20 बुलेट प्रूफ लिमोजिन कार्स लीज पर लिए, जिसे हर एक पॉलिटिकल लीडर और उनके डेलीगेट्स के मद्देनजर एक जर्मन कंपनी इनकास सिक्योरिटी से इंडिया एयरलिफ्ट करवाया गया। इनकास सिक्योरिटी इज ग्लोबली पॉपुलर फॉर देयर स्पेशल आर्मर्ड प्रोटेक्शन कार्स स्पेशली डिजाइंड फॉर देयर एक्सट्रीम सेफ्टी। ये कार ऑडी A8L मॉडल पर बेस्ड है, जिसे ऑडी लाइनअप की मोस्ट हेवीली आर्मर्ड पैसेंजर कार भी माना जाता है। ये कार VR9 रेटेड सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के साथ आती है, फीचरिंग अ स्टील एल्यूमिनियम एंड कार्बन फाइबर बॉडी इक्विप्ड विद अ नंबर ऑफ अदर फीचर्स टू प्रोटेक्ट द ऑक्यूपेंट्स, जैसे फायर सस्पेंशन, एंटी एयर गैस सिस्टम, बुलेट्स ऑफ एन AK-47 और इवन M16 राइफल्स, अ पैनिक बटन, अ कम्युनिकेशन सिस्टम और एक मेडिकल किट भी। इस कार का VR9 वर्जन लगभग 5,500 पाउंड्स का वेट करता है, फिर भी इसकी पावर डिलीवरी अच्छी खासी है। विद द 4 लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन अंडर द हुड प्रोड्यूसिंग अराउंड द फिगर्स ऑफ 563 हॉर्स पावर एंड 590 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क, ये पावर ट्रेन एक 8-स्पीड ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन से मेटेड आता है। इन टोटल कार्स के लीज की कॉस्ट गवर्नमेंट ने 18 करोड़ के करीब कोट की है। G20 इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है अपने इंटरनेशनल स्टैंड और स्टेटस को दुनिया के सामने रखने के लिए, और इसीलिए हमारी सरकार इसके लिए कोई चांस भी नहीं लेना चाहेगी। आपका क्या सोचना है गवर्नमेंट के इस फैसले पर, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। साथ ही डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ऑटो लाइफ।